नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसी दीवा हैं, जब उन्होंने 15 साल पहले हिंदी सिनेमा को बाय बाय कहा था तब बहुत सारे दिल टूट गए थे। उन टूटे दिलों के लिए खुशखबरी है और मैं बात कर रही हूँ श्रीदेवी जी से। वेलकम टू द शो। हेलो जी। अच्छा ये बताइए कि 15 सालों के बाद वापसी कुछ सपनों सा नहीं लग रहा है? हाँ जी बिल्कुल। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रही है, मतलब मैं फिर वापस आ गई हूँ। बट ये सोचा समझा कदम था श्री जी? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली कुछ ऐसे ये डिसीजन ऐसे सोच समझ के नहीं किया था, ऐसे इत्तेफाक, पता भी नहीं चला कब हुआ। क्या चीज आपको लगा था इस फिल्म में जो आपके दिल को छू गया, जिस पे आपको लगा कि नहीं मुझे इस फिल्म को करना चाहिए? जी जब मैं ये स्क्रिप्ट सुना मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और खास करके शशि का कैरेक्टर। 15 साल के बाद जब फिर से कैमरा फेस कर रही थी, घबराहट हुई? बिल्कुल नहीं, मतलब शूटिंग है, गई शूटिंग किया, मतलब ये सवाल हर बार ये पूछते होंगे कैसे लगता है, तो सच तो बताना ही है। तो बिल्कुल नहीं लगा, ऐसे लगा परसों तक मैंने शूटिंग की और कल छुट्टी मतलब लिया। 15 साल एक डायलॉग में गुजर गया। पता नहीं, एंड मे बी थैंक्स टू गौरी और बालकी। हाँ। और जो सेट पे जो एटमॉस्फेयर था, जो एनर्जी लेवल था, बहुत अच्छा था। आजकल हीरोइंस ओरिएंटेड फिल्म्स बनने लगी जी। डू यू थिंक इट इज द बेस्ट टाइम फॉर द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री? एब्सोल्युटली, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स वी आर एबल टू वॉच। आई मीन डर्टी पिक्चर, कहानी एंड विकी डोनर, मतलब बहुत अलग तरीके के फिल्म से, और एक्टर्स भी बहुत कमाल के हैं, मतलब बहुत अच्छे काम किए हैं। आपने कुछ 265 फिल्में की हैं, और 1980s और 1990s की दीवा रही। उसके बाद 15 साल के लिए आपने हाइटस ले लिया, बिल्कुल घर में, परिवार में, बोनी जी में, दोनों बच्चों में सीमित होके रह गए। मिस नहीं किया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि थैंक्स टू बोनी जी, क्योंकि हम हमेशा आउटडोर शूटिंग पे जाते थे, और कभी भी बॉम्बे में शूटिंग होती तो सेट पे जाती हूँ, और ये बहुत ही अच्छा लगा, मतलब डिफरेंट लगा मुझे कैमरा के पीछे बैठ के और शूटिंग देखना, बहुत मज़ा आया। आपकी पूरी दुनिया बचपन से लेकर के जब तक आपने शादी की और फैमिली में आई, पूरी जो सिनेमैटिक दुनिया थी उसको आपने एकदम कट कर दिया। क्या श्रीदेवी थक गई थी उस वक्त? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब मैं सोचती हूँ हर औरत को ये ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए एज अ मदर, एज अ वाइफ। मतलब जब तक मैं काम किया, मैं दिल से और इन्जॉय किया था, और ऐसे वक्त आया मैं सोचा अभी मैं एक ब्रेक लूँ और हर वक्त, मतलब हर मिनट, मतलब जैसे मैं बच्चे के साथ गुजारा तो बहुत एंजॉय किया, एंड दिस ब्रेक हैज गिवन मी द जॉय ऑफ मदरहुड। कहते हैं इस ब्रेक में आपने दो चीज़ें और सीख ली, एक तो बढ़िया खाना बनाना और दूसरा पेंटिंग करना। जो सेकंड है वो सही है, मतलब पहला वाला तो मतलब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सुपरवाइज कर सकती हूँ। अच्छा, माय चिल्ड्रन दे रियली कुक वेरी वेल। आजकल वो आपको खाने बना के खिला रहे हैं? हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा पूछते रहते हैं बच्चे की तरह तो किचन में खाना बना रहे हैं। कहते हैं कि श्रीदेवी जो है वो एक नेचुरल एक्ट्रेस है, वो रिहर्स नहीं करती हैं, लेकिन दो ऐसे कलाकार जिनको जिनके साथ आपने बहुत काम किया, अमिताभ बच्चन और अपने कमल हासन साहब, ये दोनों जो है रिहर्सल्स करते हैं, वो लोग बिल्कुल परेशान हो जाते थे कि ये आती है और अपने सीन दे के चली जाती है और हम लोग लगे रहते हैं सुबह से शाम तक रिहर्स कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। दोनों बहुत महान एक्टर्स है और मैं बहुत सीखी हूँ उनसे। उनको अपना गुरु मानती हूँ? गुरु तो बालाचंदर जी है, जो जिन्होंने आपको मेरे को लॉन्च एज अ हीरोइन किया, चाइल्ड आर्टिस्ट से मुझे हीरोइन एज अ हीरोइन लॉन्च किया, तो डेफिनेटली ही इज माई मतलब गुरु मैं बता सकती हूँ। और वैसे अमित जी ऑल्सो, मतलब इट्स ग्रेट ऑनर टू वर्क विद हिम। आपने इतनी सारी फिल्में की,
इसमें से आपको अपनी कौन सी आइकॉनिक फिल्म लगती है? काफी फिल्में हैं, क्यों, हर फिल्म एक स्पेशल फिल्म रही मेरे लिए। हर पिक्चर में हम लोग ये सोच के काम करते हैं, एक उम्मीद से ये पिक्चर अच्छा चले, जब नहीं चलती है तो बुरा लगता है और ये सोचने लगते हैं क्यों नहीं चली, क्या वजह है, बट हर फिल्म मेरे लिए स्पेशल था। जब आप हिंदी फिल्मों में आई थी जी, तो आप एक ग्लैमर के तौर पे आपको इंट्रोड्यूस किया गया था और एक डांसिंग स्टार की तरह से, लेकिन धीरे धीरे आपने अपनी एक जगह एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एक्ट्रेस की बनाई। उस दौर में फिल्में हीरो के ऊपर चलती थी, absolutely. उस दौर में अपने आप को एस्टैब्लिश करने में श्रीदेवी को बहुत प्रॉब्लम हुई थी क्या? एक्चुअली वो उस कमर्शियल पिक्चर में वो भी जैसे तोहफा ऐसे एक दो फिल्म मिले थी मेरे को जो थोड़ा हीरोइंस के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंस थे, बहुत ही अच्छा लगा। मगर थैंक्स टू बोनी जी और शेखर कपूर जो मिस्ट्री इंडिया से थोड़ा आपकी अलग हो गई, अलग हो गई, मतलब पहचान, थोड़ा मौका मिला कुछ काम करने के लिए, तो उस पिक्चर में काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों को अभी भी सदमा का आपका वो रूप याद है, सदमा आपने उस वक्त में एक्सेप्ट किया था? अभी भी याद है, जैसे बालू महेंद्रा जी, जैसे पिक्चर है 3 घंटे का, वैसे ही उन्होंने नरेशन दिया है, मतलब गाने के साथ, डायलॉग्स के साथ, जो सुन के मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगा, मेरे दिल को छुआ वो भी। अच्छा, जो जो लम्हे या जिस तरीके से यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को प्रेजेंट किया था, खूबसूरत, बला की खूबसूरत, बला की ग्लैमर, हर कोई चाहता था कि श्रीदेवी बनना, उस वक्त पे क्या अपने अपने आप को उस तरीके का बनाने के लिए डिड यू वर्क ऑन टाइम? पर मैं थोड़ी पतली हो गई इस पिक्चर की वजह से, मगर जो कॉस्ट्यूम्स बहुत मशहूर हो गए थे उस पिक्चर में, जब पेस्टल सलवार कमीज़, जो वाइट कलर, वो सब क्रेडिट यशी को जाते हैं, तो उन्होंने ये सोचा उस तरीके से कैरेक्टर को। लेकिन उसके पहले लोग श्रीदेवी को एक अच्छी एक्ट्रेस मानते थे, लेकिन खास करके मैं उस दौर के मैं कुछ मैगजीन्स को देख रही थी, तो उसमें एक पिक्चर में उन्होंने लिखा हुआ था थंडरिंग समथिंग श्रीदेवी, तो इस तरीके से आपकी इमेजरी ड्रॉ की जाती थी, बुरा लगता होगा? हाँ जी, पढ़ के जरूर मेरे को मतलब बुरा से भी ज्यादा मैं हैरान हो जाती थी, क्यों ऐसे लिख रहे हैं, मतलब बस रेजिस्टेंस था बहुत फिल्म इंडस्ट्री में या उसमें आपको लोगों को एक्सेप्ट करने में शुरू में? शुरू में बिल्कुल नहीं था। यस, सोलवा सावन पिक्चर किया था और वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, और उसके बाद मैं सोचा मैं आई एम बैक टू माय रीजनल लैंग्वेजेस, तमिल तेलुगु ये करूँगी, वो ये अच्छा है मेरे लिए। बस बाद में फिर ये हिम्मत वाला आ गई, जो मैं कभी नहीं सोचा था मैं हिंदी फिल्म वापस करूँगी, तो व्हेन आई वाज डूइंग आई वाज लाइक थिंकिंग ठीक है एक और हिंदी पिक्चर, ठीक है देखते हैं कैसे ऑडियंस रिएक्ट करेंगे, बट बिल्कुल शॉक लगा जो पसंद किया और पिक्चर भी हिट हुई, तो इट वाज क्वाइट सरप्राइज टू मी। उस समय का बॉक्स ऑफिस का पैमाना और आज का बॉक्स ऑफिस का पैमाना, और ख़ास करके पिछले 15 सालों में आप उस पैमाने पे नहीं रहीं, लेकिन आपने अपने घर में देखा। हाँ जी, सब कुछ, सब कुछ घर में देखा, कितना बदलाव लगता है? क्या लगता है कि वो दुनिया अच्छी थी या आज की दुनिया अच्छी है? नहीं, आज की दुनिया बहुत अच्छी है जी, मतलब दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब टेक्निकली बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, जैसे इस फिल्म में सिंग साउंड, जो डबिंग की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब पिक्चर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हम लोग डबिंग करना, तो बहुत बड़ी बात है। अभी इट्स रियली लाइक अ केक वॉकिंग, यू डोंट हैव टू डब, और बाकी सब टेक्नीशियंस एंड वो वैनिटी वैन तो है ही नहीं उस वक्त। हम लोग कहीं भी आउटडोर में शूटिंग करते हैं तो पूरा दिन बहुत ही मुश्किल से गुजारते हैं, और अभी तो हर जगह वैनिटी वैन है जो ड्रेस चेंज करने के लिए। लाइफ टफ थी उस वक्त? उस वक्त काफी टफ थी, काफी काफी। तो कैसे मैनेज करती थी श्रीदेवी, जो कि साउथ से आई थी और उस वक्त में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री इस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं थी, तो आप कैसे मैनेज कैसे करती थी जी? पहले ये बात मैं कहीं नहीं भाई, पहले हम लोगों को साउथ में शूटिंग शुरू हो जाती थी 7 बजे 6 बजे,
और यहाँ नया नया शूटिंग करती थी, 11:30 बजे तक शूटिंग शुरू नहीं होती, और अगर हीरो नहीं आया तब तो हो गई छुट्टी। वेल वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ। तो बस मतलब वेट करो वेट करो वेट ही करते रहो, तो वो धीरे धीरे से आदत पड़ गई। बस बस आजकल ऐसे नहीं है, मतलब बिल्कुल सब लोग बहुत प्रोफेशनल हो गए और सब कुछ टाइम पर होता है, एंड एवरी डिपार्टमेंट हैज़ गॉट डिफरेंट पीपल एंड टेक्नीशियंस एंड वेरी वेल इक्विप्ड। ये बताइए कि आप जब हिंदी बोलती हैं जी, तो अभी भी घबराती हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब घबराना तो दूसरे को होना चाहिए मेरे हिंदी सुन के। नहीं उस वक्त में क्या प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको बोलते थे नहीं नहीं ये शब्द नहीं ये शब्द ऐसे बोलो ऐसा कुछ? हाँ, कहते हाँ, थे? नहीं नहीं बिल्कुल, मगर प्यार से कहते थे, मतलब ऐसे जैसे आपने कहा वैसे नहीं है। ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू, और मैं बिगनिंग में मेरे लिए सब लैंग्वेजेस एक था, जैसे मलयालम कन्नड़ा हिंदी सब कुछ मेरे लिए आई मीन स्ट्रेंज लैंग्वेज था। और तो आपने सब की पढ़ाई की? पढ़ाई मतलब रट के जैसे एग्जाम्स बैठ करके, दे यूज्ड टू कॉल मी पैरट जैसे। ये बताइए कि मोस्टली जो दीवाज थी यस्टरडे की, उन लोगों ने टेलीविजन को माध्यम चुना वापस आने के लिए, आपने भी एक सीरियल किया था जी मालिनी अय्यर, बट उसको फिर कंटिन्यू नहीं किया, क्यों? क्या ये जो टीवी सीरियल मालिनी अय्यर का किया है, उस वक्त मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, एंड मेरे को लगा जो मैं कर रही थी मैं एंजॉय नहीं कर पा रही थी, एंड इट वाज क्वाइट लॉन्ग डिस्टेंस द शूटिंग आल्सो, जब तक शूटिंग पैकअप करके वापस जाती थी तो बहुत थक जाती, और बच्चे भी 2-3 साल के थे, तो आई वॉज लाइक इग्नोर हो रहे थे, इग्नोर हो रहा था, तो आई जस्ट थॉट टू माई सेल्फ नो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट एज अ मदर टू दैम। तो उस समय आपने अपने क्रिएटिव अर्ज को पूरा करने के लिए पेंटिंग शुरू की? जी पेंटिंग तो उस वक्त नहीं, बहुत पहले से शुरू कर लिया मैंने, मतलब जब मैं काम कर रही थी एज अ चाइल्ड स्टार एज अ यू नो अपकमिंग हीरोइन, उस वक्त से मैं पेंटिंग, आपकी पेंटिंग आपने जिस चैरिटी को दिया और फिर वो ऑक्शन हुई क्रिस्टीज में, तो ये सब कब? उसी वक्त में हुआ जब आप घर पे रही? हाँ जब घर पे रही उस वक्त हुआ, उस वक्त काफी टाइम मिला, जब शुरू किया जो बच्चों के स्कूल पे पेंटिंग करना उनको हेल्प करना, और मेरे को स्कूल पे बुलाया गया था और स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए बच्चों को, तो उस वक्त धीरे धीरे से मेरी कॉन्फिडेंट भी बढ़ गई और मैं शुरू कर लिया, एंड थैंक्स टू माय चिल्ड्रन एंड माय हस्बैंड, उन लोगों ने काफी एनकरेज किया। बीच में श्रीदेवी जब घर पे थी तो अपनी क्रिएटिव अर्जेस को मिस नहीं करती थी? मैं तो पेंटिंग कर रही थी और पिक्चर्स देखती थी, और ये बहुत अच्छा लगता था हम लोग बच्चों के साथ थिएटर्स में जाके पिक्चर्स देखना। आपने बिल्कुल अपने उस करियर को मिस नहीं किया? नहीं किया, मैं हमेशा ये सोचती हूँ जो करें तो दिल से और 100% दें, और ऐसे लगा मेरे को जब मैं काम करूँगी देर आर मदर्स हु multitasking and hats off to them, but I couldn't. I thought if I'm there, then I want to be there with my children in every single day and you know their needs. श्रीदेवी हमेशा अपने परिवार से बहुत जुड़ी रही जी, माँ थी तो आपकी माँ हमेशा मेरे साथ आपके साथ होती थी, और मेरी बहन थी या मेरी आंटी थी, मतलब family has been a आप नॉर्मल बच्चों की तरह मिस नहीं करती थी? शूटिंग कर रही हूँ तो ऑब्वियसली स्कूल नहीं जाना होता होगा। सिर्फ स्कूल नहीं गई, बस उसके अलावा मेरी लाइफ बहुत ही नॉर्मल, लाइक एनी ऑर्डिनरी गर्ल, जब शूटिंग खत्म होती मेरे लिए शूटिंग जैसे स्कूल है। अच्छा। और हमेशा मेरी माँ रिक्वेस्ट करती थी 6 बजे के बाद शूटिंग नहीं, तो मैं टाइम देखती रहूँ, लाइक 6 बज गया 5 मिनट बाद जो जैसे घंटी बजती है जैसे भाग के गाड़ी में बैठ जाओ। ओके। और कब मैं अपने कजिन्स के साथ अपने
फैमिली के साथ टाइम गुजारो। उस समय इतना एक एक्ट्रेस के ऊपर इस तरीके का प्रेशर नहीं होता था। हम लोग काफी पिक्चरें करते थे, आजकल सिर्फ एक या दो पिक्चर से ज्यादा नहीं साल में। मतलब हम लोग ऐसे नहीं 10 पिक्चर कर सकते, और दिन में आई रिमेम्बर डूइंग 4 to 5 शिफ्ट्स अ डे। ये एक अलग तरीके का हमें तरीके से प्रेशर। अब इसके आगे क्या, श्रीदेवी कौन सी पिक्चर करने वाली हैं? कहते हैं जो इंग्लिश विंग्लिश कैप के जो फ्रेंच को आर्टिस्ट है वो आपको डायरेक्ट करना चाहते हैं, इज इट ट्रू? ही इज बीन आस्किंग मी एंड ही इज बीन वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट, बट बट यू नेवर नो बट आपकी फैमिली तो पूरी फिल्मी फैमिली है, हर कोई फिल्म से ही जुड़ा हुआ है। आप अपने बच्चों को फिल्म में ही जाने बोलेंगी या उनके ऊपर चॉइस उनकी होगी कि वो क्या करना चाहते हैं? इस वक्त मैं उनको ये कहूँगी ज़रूर, और कहती आई हूँ अच्छे पढ़े और उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। बाद में हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं, यू नो प्लान कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने भी नहीं किया कभी, सोचा नहीं मैं आज यहाँ बैठूँगी आपके साथ इंटरव्यू कर। क्या श्रीदेवी कभी फिल्में डायरेक्ट करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। क्यों? क्यों? आई मीन मैं चैन से जीना चाहती हूँ, आराम से शूटिंग करूँ, जो काम मालूम है वही सिर्फ करना चाहिए। एंड डायरेक्शन इज नॉट अ इजी जॉब, मतलब इट्स सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्यों, अपने आप को क्यों मैं यू आर एंजॉयिंग इट। श्रीदेवी क्या अभी भी हिंदी सीख रही हैं? जिंदगी भर सीखती हूँ, सीखूंगी मैं। आपकी आपकी वॉइस जो है और आपके बोलने का स्टाइल जो है वो थोड़ा अलग सा है। अच्छा, मालूम नहीं, मतलब काफी लोगों ने ये कहा, मतलब आपको लगता है कि ये आपकी आइडेंटिटी है? पीपल रिकॉग्नाइज द वॉइस, पीपल रिकॉग्नाइज द स्टाइल? रियली आई डोंट नो, मैं ये अनजान से, मतलब पता नहीं जब आप बोल रहे हैं तो थोड़ा मैं कॉन्शियस हो गई हूँ। क्या दूसरी जिंदगी में भी क्या श्रीदेवी एक्टर बनना चाहेंगी? जरूर, उसमें कोई चेंज नहीं है, 100% मैं एक्टर। ऐसा क्या है? ऐसा क्या नहीं है बोलिए, मतलब जो भी इसमें इस इंडस्ट्री में, आई मीन ऑडियंस से इतना प्यार और एक अपनापन मिलता है, जो आई डोंट थिंक सो इन एनी इंडस्ट्री यू गेट सो मच लव एंड अफेक्शन, सो इट्स रियली अमेजिंग। आपकी पर्सनालिटी में आप थोड़ी अलूफ सी रहती हैं, ऐसा क्यों? अलूफ से नहीं, आई एम अ लिटिल, आई डोंट नो, आई एम अ शाई पर्सन, तो कोई लोग कुछ इतना कैमरा फेस किया उसके बाद भी यू आर अ शाई पर्सन, अभी तक तो बिल्कुल धड़ल्ले से सब कुछ। तब धड़ल्ले तो सिर्फ अपने बच्चों के सामने, पति के सामने, बाहर तो शायद। कहते हैं कि कुछ कुछ एक फ्रेंड्स के साथ आप गॉसिप करती हैं, अदरवाइज बहुत चुप रहती हैं, स्टोइक। गॉसिप में मजा आता है? गॉसिप नहीं है, गॉसिप तो बहुत कम करती हूँ, गॉसिप सुनने में अच्छा लगता है, गॉसिप नहीं करती हूँ। बट या आई एम लाइक जोक करती हूँ और हंसाना बहुत पसंद करती हूँ। अगर एक्टिंग में की कैटेगरी में आपको कॉमिक रोल करने में बहुत मजा आता है, दैट्स योर फेवरेट, इज इट? यस, सबसे हंसाने में मजा आता है। हाँ जी, एब्सोल्युटली। तो आप एक तरफ लोगों को हंसाना चाहती हैं, हंसाती हैं, और दूसरी तरफ एकदम टीचर की तरह, ये पर्सनैलिटी का ट्रेट कहाँ से आया आप? फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब आई हैव बीन प्रोटेक्टेड बाई माई फैमिली ऑल द टाइम, लाइक यू नो कभी मुझे अकेले नहीं छोड़े थे, हमेशा वो साथ में थे, तो जो भी शॉट ख़त्म होने के बाद मैं उनके साथ ही बैठती हूँ, तो मे बी दैट्स अ रीज़न। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ काम बात करना चाहिए, ज़्यादा बात करने में क्या फ़ायदा है। श्री जी, आप एक प्रोड्यूसर की वाइफ हैं और प्रोड्यूसर के लिए सब कुछ होता है, कभी एकदम हाई होता है और कभी लो होता है, क्योंकि फिल्में अच्छी नहीं की, ये हर इंडस्ट्री में, मतलब हर, तो उसको आप एज अ फैमिली कैसे लेती हैं उस वक्त में जब अगर पिक्चर नहीं अच्छी की हुई? जैसे बोनी जी मेरे लाइफ में जैसे पिलर बन के, जो स्ट्रॉन्ग बन के मेरे साथ खड़े थे, वैसे ही मैं उनके साथ एज अ वाइफ, आई थिंक आई शुड, आई ऑलवेज।
बट उससे घर भर में टेंशन तो नहीं होता कुछ की अब पिक्चर अच्छी नहीं हुई। ये बहुत ही मतलब स्पेशल है बोनी जी के यहाँ, जो भी टेंशन है वो घर तक लेके नहीं आते हैं, और अगर सचमुच रियली ही इज गोइंग थ्रू टेंशन वो कुछ नहीं बताते हैं, मगर सिर्फ उनके चेहरे से हमको मेरे को पता चल जाता है। इट्स मी हू कीप ऑन आस्किंग मी व्हाट्स रॉन्ग, यू आर नॉट ओके, सो फिर धीरे से बताते हैं। आज आपकी दोनों बेटियां बड़ी हो रही हैं जी, उनको आप कैसे एज अ फ्रेंड ट्रीट करती हैं, एज अ डांटती हैं, मदर्स जैसे डांटती, क्या किस तरीके का रिलेशनशिप यू? ये मैं सब कुछ मिलके बैलेंस करती हूँ। कभी कभी फ्रेंड बन के बात करती हूँ, कभी माँ बन के डांटती हूँ, कभी मतलब वैसे ही हमको करना पड़ता है। एज अ मदर वी शुड मेक दम कंफर्टेबल एंड वी शुड मेक श्योर दे शुड शेयर एवरीथिंग विद अस। अच्छा ये बताइए, कहते हैं कि आजकल जानवी जो है वो आपको फैशन के ट्रेंड्स बताती हैं कि मामा ये पहनो, ऐसा मेकअप करो, ये करो। मुझे सिर्फ जानवी नहीं, पूरा फैमिली बताती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माय हस्बैंड टू खुशी। आई फील सो हैप्पी दैट दे आर टेकिंग सो मच इंटरेस्ट। इट्स नॉट लाइक बिकॉज आई एम गोइंग आउट, इवन व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग, जब मैं घर पे थी, जब मैं काम नहीं कर रही थी, उस वक्त भी जब मैं बाहर जा रही थी तो डेफिनेटली आई हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम माय हस्बैंड, फ्रॉम माय चिल्ड्रन। अच्छा, दे ऑल हैव अ से इन हाउ श्री देवी लुक्स। श्री देवी को अपने अपनी पूरी फिजिकल अपीयरेंस में अपने कौन से पार्ट पे ज्यादा गर्व होता है, ज्यादा अच्छा लगता है? जी मैं खुद अपने आप के बारे में कैसे बता सकती हूँ। फिर भी एक होता होगा ना, आप अपना आईना देखती होंगी। अरे रे रे, बिल्कुल नहीं। हमेशा कमी ही नजर आती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू। तो ये थी श्रीदेवी जी आमने सामने में। अगले हफ्ते मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।